मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई बैठक में कैबिनेट ने अनुपूरक बजट का अनुमोदन कर दिया है। ये चालू वित्तीय वर्ष का तीसरा अनुपूरक बजट होगा। इसके करीब 2000 करोड़ रुपए के होने का अनुमान है। इसमें विभिन्न योजनाओं के लिए राशि का प्रावधान किया गया है। अनुपूरक बजट को 7 मार्च से शुरू हो रहे विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन में पेश किया जाएगा। कैबिनेट ने धान खरीदी और उसके उठाव की समीक्षा के साथ ही कुछ संशोधन विधेयकों को भी हरी झंडी दी है। कैबिनेट बैठक को लेकर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कुछ इस प्रकार से जानकारी दी। आज मंत्री परिषद की बैठक आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में लगभग 16 बिंदुओं पर प्रस्ताव आए थे जिसको मंत्रिमंडल ने सहमति दी। सबसे पहले तो तृतीय अनुपूरक को मंत्रिपरिषद ने सहमति दी जो आगामी विधानसभा में पेश किया जाएगा। दूसरा जो मुख्य बजट है 22-23 का, उसको मंत्रिमंडल के सामने आज प्रस्तुत किया गया, वो भी आज मंत्रिपरिषद के द्वारा अनुमोदित किया गया। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है बजट सत्र में महामहिम के द्वारा जो गवर्नर एड्रेस दिया जाता है, तो महामहिम राज्यपाल महोदय के जो गवर्नर एड्रेस दिया जाएगा उसको भी अनुमोदित किया गया। तो ये तीन प्रमुख बातें आगामी बजट सत्र के लिए, तृतीय अनुपूरक की सहमति, मुख्य आय व्यय बजट की अनुमोदन और महामहिम राज्यपाल महोदय के जो गवर्नर एड्रेस होगा, अभिभाषण होगा, उसको अनुमोदित किया गया। एक अन्य प्रस्ताव में संचालनालय आयुष के अंतर्गत विभिन्न जिलों में 163 फार्मासिस्ट के वैकेंसीज पहले निकाला गया था, उसकी परीक्षा भी हो गई। कोरोना काल में उसकी परीक्षा के बाद के रिजल्ट की भर्ती नहीं हो पाई थी, तो जो लिस्ट है सिलेक्शन लिस्ट, उसकी वैलिडिटी 1 साल होती है, तो उस वैलिडिटी को, वैधता को 1 वर्ष और बढ़ाने का निर्णय लिया गया, ताकि ये जो 163 फार्मासिस्ट की रिक्तियां हैं, वैकेंसीज है, उसकी पूर्ति की जा सके। मंत्रिपरिषद ने आज ये निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितीकरण के संदर्भ में भी आज ये निर्णय लिया गया कि जो अनधिकृत विकास के नियमितीकरण के जो पिछले प्रस्ताव आए थे उसके संदर्भ में कुछ अधिकार जो राज्य शासन के हैं, उस सीमा के अधिकार कलेक्टर को पिछली बार दिए गए थे, तो कलेक्टर के पास उस अधिकार को थोड़ा विस्तारित किया गया है, ताकि ये जो नियमितीकरण की कार्यवाही जो जिसकी गति थोड़ी कम थी वो और प्रतिबद्ध गति से हो जाए। आज का एक जो महत्वपूर्ण निर्णय है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बनाया गया है उसमें कहा गया है कि हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल में एडमिशन का जो उम्र माना जाता है 6 साल, और जो आंगनबाड़ी में 3 से 5 वर्ष, तो 5 से 6 वर्ष का 1 साल का जो गैप है उसके संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है कि बालवाड़ी जैसा जो क्षेत्र प्रारंभ किया जाना चाहिए, बालवाड़ी का बालवाड़ी जैसा, ताकि, तो छत्तीसगढ़ में क्या है कि इस कारण से जो बच्चे अंग्रेजी माध्यम के जो KG 1-2 से आते हैं ना, तो हहमारे हिंदी मीडियम के बच्चों का उम्र जो है 1-2 साल उससे पीछे हो जाता है एडमिशन के समय। इस बात का निर्णय लिया गया है कि 5 से 6 वर्ष के उम्र के बच्चों के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा उन स्थानों में जहां स्कूल परिसर में ही आंगनबाड़ी के केंद्र हैं, क्योंकि इसको संचालित करने के लिए परिसर की भी आवश्यकता होगी और शिक्षक की भी आवश्यकता होगी, तो लगभग 6,536 स्थानों में इसको प्रारंभ करने का आज निर्णय लिया गया। लगभग 3,23,624 विद्यार्थी इसमें आने वाले इस जो सत्र है उसमें लाभान्वित होंगे। ये आज की बैठक का ये महत्वपूर्ण निर्णय था। एक निर्णय और महत्वपूर्ण लिया गया जो छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि प्रबंधन नियम 2015 में, इसमें आंशिक संशोधन किया गया है कि जो लैंड बैंक की भूमि को फ्रीहोल्ड करने के जो नियम है उसको थोड़ा सरलीकृत करने का निर्णय आज के मंत्रिपरिषद के अनुमोदन किया गया।
ये जो महत्वपूर्ण अभी आप प्रश्न पूछ रहे थे, भंडार क्रय नियम में संशोधन, ये बहुत संक्षिप्त सा संशोधन है। पहले भी कृषि और कृषि विभाग के लिए आवश्यक इक्विपमेंट या अन्य सामग्रियों का क्रय के लिए बीज विकास निगम आरसी करने के लिए अधिकृत था। बीच में ये जो संशोधन आया था उसके अनुसार बीज विकास निगम के बजाय वो लघु उद्योग निगम के द्वारा जो आरसी किया जाता रहा है, तो उसको आज संशोधित किया गया कि कृषि विभाग के द्वारा उसके जो समान प्रकृति के जो आवश्यक वस्तुएं हैं उसका जो भंडार क्रय नियम है उसको संशोधन करके कि इसको सीड कॉरपोरेशन ही उसको करेगा। दो और महत्वपूर्ण निर्णय, राज्य की औद्योगिक नीति 1924 में के अंतर्गत हम लोगों ने जो विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज तय किया हुआ है उसके अंतर्गत मेसर्स वीटेक प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड, इसको अनुमति देने का निर्णय लिया गया। ये लगभग 107 करोड़ का ये उद्योग होगा जिसमें 100 से अधिक लोगों को रोजगार प्रस्तावित है, तो ये विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज के अंतर्गत इस प्रस्ताव को मंजूर दिया गया। उसी प्रकार मेसर्स एसबीटी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा टेक्सटाइल के लिए पहला उद्योग होगा छत्तीसगढ़ में टेक्सटाइल के संदर्भ में, उन्होंने भी विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज के अंतर्गत अनुरोध किया है। 22 करोड़ रुपए की लागत से ये पैकेज ये प्लांट लगेगा और उसमें 200 लोगों को सीधे रोजगार की व्यवस्था होगी। एक बहुत संक्षिप्त सा लेकिन आवश्यक निर्णय लिया गया जो राज्य प्रशासनिक सेवा संवर्ग के कनिष्ठ वेतन मान क्या है कि पीएससी की भर्ती लगभग 8 से 10 साल बंद रही, तो जो 10 साल पहले जो सेलेक्ट हो गए उनको हायर स्केल में जगह मिल गया और जो बाद में है तो वो जो गैप है उसको पूर्ति करने के लिए उस प्रवर श्रेणी के वेतनमान में पदोन्नत करने के लिए मंत्रिपरिषद ने ये सिंगल टाइम रह गए प्रस्ताव ये मंजूरी दी है इसी समय के लिए, ताकि वो जो गैप है 8 या 10 साल उनके कार्यकाल में जो भर्ती नहीं हो पाई थी उसको दूर किया जाए। आज सबसे महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है कि छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड में थोड़ा व्यापक संशोधन किया गया है। ये जो भू सर्वेक्षण का काम है, जो धारणा अधिकार को भू अभिलेख का काम है, जो संधारण नामांतरण बंटवारा जैसे जो प्रक्रियाएं हैं उसको डिजिटलाइज करने के लिए आजकल का जो आधुनिक युग है डिजिटल में अपन को करना है, तो उसमें और औद्योगिक पार्क में जो मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन नई नई जितनी भी हम लोगों ने योजनाएं लागू की हैं उन सारी योजनाओं के लिए जो लैंड रेवेन्यू कोड में आवश्यक संशोधन की आवश्यकता है, क्योंकि परमिशन फिर कौन देगा, फिर कलेक्टर के कुछ अधिकार को हम लोगों ने वृक्ष कटाई के मामले में अनुविभागीय अधिकारी को दिया हुआ है, तो वो सब लैंड रेवेन्यू कोड में उन बातों को शामिल करने के लिए ये भू राजस्व संहिता में भी आज संशोधन की अनुमति दी गई। नगरीय क्षेत्रों में गवर्नमेंट लैंड शासकीय भूमि जो है अर्बन एरियाज में उसके आवंटन, अतिक्रमित भूमि का व्यवस्थापन एवं लैंड होल्डिंग प्रदान करने के संदर्भ में पुराने हम लोगों ने एक संशोधन रखा था, उसमें एक लाइन का संशोधन किया गया है। पहले 7,500 वर्ग फुट तक कलेक्टर को ही देने की अनुमति थी, उससे अधिक के लिए राज्य सरकार की अनुमति आवश्यक थी। अब कलेक्टर उसका व्यवस्थापन और आवंटन की कार्यवाही करेगा, राज्य सरकार से अनुमोदन कराएगा, माने करने का अधिकार कलेक्टर को दिया गया, उसके बाद अनुमोदन उसको करने के लिए राज्य सरकार को राज्य सरकार से अनुमोदन कराएगा। आज के संशोधन आज के मंत्रिपरिषद ने इसको अनुमति दी। एक महत्वपूर्ण निर्णय, राज्य के 10 आकांक्षी जिले कोरबा, राजनांदगांव, महासमुंद, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, बस्तर, कोंडागांव और सुकमा तथा 2 हाईबर्डन जिले कबीरधाम और रायगढ़ में राज्य योजना के अंतर्गत राशन कार्ड धारियों को फोर्टिफाइड चावल वितरण करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए आवश्यक धन राशि 100% राज्य शासन द्वारा वहन किया जाएगा, 39.59 करोड़ रुपया
तीन जिलों में अब आने वाले समय में जो फोर्टिफाइड राइस राशन कार्ड के माध्यम से वितरण किया जाएगा, एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इस साल हम लोगों ने लगभग 98 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की। खरीदी शुरुआत करने के समय बारदाने के लिए हम लोगों ने केंद्र सरकार के जूट कमिश्नर से आग्रह किया था, लेकिन पर्याप्त बारदाने जूट का नहीं मिल पाया था। इसके कारण एसडीपी और पीपी बारदाना छत्तीसगढ़ सरकार ने उपयोग किया और उक्त बारदानों के अलावा भी हम लोगों ने पुराने बारदानों से धान की खरीदी की और छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी सुचारू रूप से हुआ। अब उस बारदाने को मार्केट की संपत्ति बनाने बने जो राशि खर्च हुआ है, लगभग राशि इसमें दिया नहीं है, वो मार्केट के द्वारा राज्य शासन ने जो खर्च किया है वो मार्केट की प्रतिपूर्ति की जाएगी, वो संपत्ति मार्केट की होगी। और उसके बाद विद्युत में एक सरलीकृत किया गया है, जो हर साल दो फॉर्म प्रत्येक इंडस्ट्री के द्वारा भरने की बाध्यता थी, फॉर्म जे एंड फॉर्म के, उसको समाप्त करने का निर्णय। इसमें जो इंडस्ट्री वालों को थोड़ा सुविधा देने की दृष्टि से इस प्रकार से आज की बैठक में 16 प्रस्ताव थे जिसपे मंत्रिपरिषद ने अनुमोदन किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा अन्य विधानसभाओं की तुलना में सदन की बैठक सत्रावधि और सत्र के समय में हमेशा अग्रणी रहा है, लेकिन पिछले बार हम लोगों ने महसूस किया कि कोरोना के चलते बजट सत्र कम अवधि में ही सारे बजट के प्रस्ताव मंजूर दिए गए। उस प्रकार से अभी भी जिस समय विधानसभा सत्र आहूत किया गया, कोरोना लगभग उस समय फैल रहा था, इसलिए इस अवधि के लिए किया गया। उसके बावजूद भी हम तो अपील करेंगे माननीय प्रतिपक्ष से भी कि सदन के समय का सदुपयोग करें। पहले भी परंपरा रही है छत्तीसगढ़ विधानसभा में, हम लोग 12-12 एक-एक बजे रात तक बैठ करके विधानसभा की कार्यवाही चलाते रहे हैं। सत्र की अवधि छोटी नहीं है, उसमें भाग लेने की जरूरत है, ऐसा मेरा सोचना है।